नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा में संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि को 3 दिनों तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन जानकारी के अभाव में आज सुबह से ही सड़कों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी। हालांकि रीवा पुलिस पहले से ही इसके लिए तैयार थी और लोगों को नए आदेश की जानकारी देते हुए पुलिस के द्वारा सभी को घर वापस भेजने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं बेवजह जानबूझकर सड़कों पर तफरी करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भी की जा रही है। दरअसल कल देर शाम रीवा जिला कलेक्टर के द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि को 6 मई सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है, जिसके पालन हेतु आज रीवा के पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह तथा SP विजय डावर ने स्वयं सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल SP विजय डावर ने बताया कि ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें नए आदेश के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके लिए हमारी पूरी टीम तत्पर है और घरों से लोग घरों से ना निकले इसके लिए जतन किए जा रहे हैं। वहीं इमरजेंसी सेवाओं के लिए बाहर निकले लोगों का भी आई कार्ड देखकर उन्हें जाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही बेवजह घूमने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। वहीं रीवा के एडिशनल SP विजय डावर ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है, ताकि लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ी जा सके। चौथा दिन लॉकडाउन का है, किस तरह लोगों को पालन किया जा रहा है? आज चौथा दिन था लॉकडाउन का। कल जो आदेश जारी हुआ था उसमें यह था कि 6 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाता है। कन्फ्यूजन के कारण लोगों को यह नॉलेज में था कि संडे तक का ही लॉकडाउन है, मंडे को कुछ इसेंशियल सर्विसेज खुली रहेगी। उसी कन्फ्यूजन में सभी लोग भीड़ के रूप में निकल के आ रहे हैं, जिन्हें समझाइश दी जा रही है कि लॉकडाउन 6 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, कृपया करके घरों में रहें। 6 के बाद में जो इसेंशियल सर्विसेज है उनको छूट दी जाएगी, जिसमें करहिया मंडी सवेरे 9 बजे तक की छूट करहिया मंडी को रहेगी। हाथ ठेलों से सब्जी जो नगर निगम के द्वारा सप्लाई की जाएगी वो 11 बजे तक की रहेगी। इस तरह का जो है कन्फ्यूजन था, उन कन्फ्यूजन को दूर किया जा रहा है। सभी को बताया जा रहा है कि वर्तमान में छूट नहीं दी गई, पूरी तरह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करें। तो दिन लॉकडाउन किस तरह लोगों को पालन करवाया? दरअसल कल तीसरा दिन खत्म हुआ था, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था, कुछ लोग जो आदेश निकला था उसको पढ़ नहीं पाए, तो कन्फ्यूजन में कुछ लोग बाहर आ गए, गाँव से कुछ सब्जी वाले आ गए, तो इस कारण से थोड़ा सा कन्फ्यूजन के कारण थोड़ी भीड़ बढ़ गई थी। लेकिन अब सबको समझा दिया गया और जरूरी लोगों पर कार्रवाई की गई है। हम लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जो नहीं मान रहे उनकी हवा भी निकाल रहे हैं। ये सारी कोशिशें की जा रही हैं कि लोग लॉकडाउन की पालन करें और अपने रीवा को बचाएं। जरूरी है कि अपना शहर बचे, अपना शहर सुरक्षित तो हम सुरक्षित। लगातार समझाइश के बाद भी लोग घर से निकल रहे हैं, अब क्या करें? अब लोग हैं समझ नहीं पा रहे, माँ बाप ऐसे हैं कि अपने बेटों पर कोई नियंत्रण नहीं रख रहे हैं, जबकि उनको नियंत्रण रखना चाहिए अपने बेटों पर कि बेटा भी बाहर मत जाओ, और लेकिन उनको गाड़ी की चाबी दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अपने घर की महिलाओं को और 2-2 साल पुरानी दवा की पर्ची को लेकर निकल जा रहे हैं। तो समय यह नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें करके आप पुलिस प्रशासन को धोखा दीजिए। आप पुलिस प्रशासन को धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं और बाकी लोगों को दे रहे हैं। हमारे 73 पुलिस के साथ ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, हालांकि उसमें 49 रिकवर हो गए हैं, 24 रिकवरी भी तेज चल रही है, लेकिन पुलिस वाले भी आप इसी वजह से संक्रमित हो रहे हैं कि आप जानबूझ के बाहर निकल रहे हैं। आप अपनी प्राण भी संकट में डाल रहे हैं, आपकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का भी प्राण संकट में डाल रहे हैं और अस्पतालों पे बोझ भी बढ़ा रहे हैं। तो कृपा करके ये सब सारी चीज़ों से बाहर जाएं, घर में रहें, केस कम होंगे वैसे ही प्रशासन रिलैक्सेशन देगा। अगर कोरोना की चेन तोड़ेंगे तभी केस कम होगा, वरना केस कम नहीं। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। YouTube में गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार।